brought to you by YY ज्ञान ज्योति सोलर लालटेन योजना जब शिक्षित हुन्छन् सबै नेपाली तब समृद्ध हुन्छ हाम्रो नेपाल Life is so sleek in my kitchen. Authorized distributor for Nepal. Kitchen Concepts Private Limited. Kapal ko saundarya sazaunat ko lagi. Poonam Mehndi. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भरे अभिवादन। मारवाड़ी गीत संगीत रहन सहन खानों पीनों रीति रिवाज समाज के लोगों से बातचीत को यो कार्यक्रम अपनो नेपाल अपनो गौरव में आप सबको स्वागत है। आओ कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा देखा कुछ गतिविधियां। विद्या धनम सर्वधनम, विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है। एक बार अर्जन कर लेने के बाद कोई ई धन ने छीन को नहीं सके, बल्कि जितनो बांटो उतनो बढ़ है। अपने समाज की लड़की दीपिका दुगड़ मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज MBS में नेपाल अधिराज्य में सर्वश्रेष्ठ घोषित हुई है। उन्होंने हाल में ही सम्माननीय राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव नेपाल विद्याभूषण पदक प्रदान कराया। ऐ खुशी के अवसर में दीपिका जी ने बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना। दीपिका जी से करी गई बातचीत आनिए एपिसोड में दिखावांगा। अब आज का अतिथि से बातचीत। आज आपने कने दो अतिथि है और दोनों ही जना शेयर बाजार से संबंधित है, शेयर ब्रोकर है, यानी कि शेयर दलाल भी जने कवा हाँ आपा। और उड़ा में से है नंद किशोर मुंद्रा जी, जो कि शेयर ब्रोकर एसोसिएशन का निर्वर्तमान अध्यक्ष भी है। और दूसरा है अनुज अग्रवाल, जो अभी ब्रोकर एसोसिएशन का उपाध्यक्ष है। आज इना से आपा शेयर बाजार की विविध गतिविधियां के बारे में जानांगा। और कार्यक्रम में इना को स्वागत करा, आप लोगों का कार्यक्रम में स्वागत है। मुंद्रा जी, अभी का शेयर बाजार ने थे कहीं विश्लेषण करो। बार को शेयर बाजार जी को है वो मोटा मोटी मारे हिसाब से आपकी सही तथ्य का आधारित शेयर बाजार है। और जिको बार को इंडेक्स 400 का हरारी में चल रही है, और मारे विचार से सगली इन्हें फंडामेंटल और भी ये चीज़ें जो हुआ है शेयर बाजार की सब ने विश्लेषण करता हुआ मोटा मोटी एकदम सही है। अच्छा, अनुजी थारो विश्लेषण किए में। मैं मुख्यतः अभी बाजार ने देखो, जहाँ मुंद्रा जी बोले अभी कि फंडामेंटल देखते हुए ठीक है, लेकिन थोड़ा आज के दिन मतलब इन दिन दो तीन साल में जिस हिसाब से राजनीतिक परिवर्तन आ रहे है और एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, और इन दिन में थोड़ा नया ब्रोकर भी आया है और एक्टिविटी बढ़ी है, तो राजनीति से इफेक्टेड यो बाजार है। और अभी को इंडेक्स जो है ठीक है, आपकी जगह एकदम सही है, लेकिन अपॉर्चुनिटी काफी है आज के दिन में। और बाजार में आने वाले दिन में एक दो महीना कहो चाहे तीन महीना से मतलब छह महीना के अंदर कहो कि काफी पॉजिटिव देखने लग रही हूँ मैं। जी हिसाब से लोग इंस्टीट्यूशनल लोग तो था ही, इंस्टीट्यूशनल बायर भी आज के दिन में काफी इंटरेस्टेड होया है अब। और अठीना अर्थ मंत्रालय भी मतलब कि एक ही थरा बाजार के लिए विशेष मतलब अब ध्यान देने किसी स्थिति में आ रखी है और वह कुछ कर भी रहा है। फंडामेंटल चेंज काफी आ रही है, जी CDS भी आने लग रही है, आने वाले दिन में काफी मतलब पॉजिटिव देखू मैं बाजार में। अच्छा मुंद्रा जी, जी अभी ये अनुज जी बोले CDS सिस्टम जो पेपरलेस सिस्टम भी कहा आप, तो इनकी चर्चा तो बहुत दिन से है, लेकिन यह कठत पूछ रही है धारे साहब में अभी तक। देखो CDS का जिसका ऑफिसर है वे तो कह रहा है कि अब मार्क से चालू कर से, लेकिन माना हाल भी शंका है कि मार्क से चालू उसी को नहीं से, क्योंकि इरा हाल बहुत महत्वपूर्ण काम है। इरो जिको महत्वपूर्ण काम है CDS आने का मतलब है कि जिका आपा कने जिका शेयर जिका फिजिकल रूप में है वे शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में चले जाए। जैन आपा आपा घर में पैसा रहे तो आपा नकदी रखना पड़े और फिजिकल रूप में रहे, और बे पैसा ना आप बैंक में रख दे तो आप खाता में चले गया, आप चेक काट के जान पैसा निकाला बयानी शेयर CDS आया पे कहीं उसे कि आप शेयर CDS कंपनी में जासी और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चले जासी। लेकिन अब CDS आज CDS आया नहीं, मोटा मोटी कंपनी स्थापना हुआ है और बीरो सगलो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया भी काफी दिन हो गया, फिर भी हाल इरा अंदर जगह मोटा मोटी जगह काम करना है वे काम हाल भी को नहीं हो पाया। हाल भी माना शंका है कि CDS में मन लागे कि हाल भी साल भर देरी लाग सके। साथ साथ है मानो बताना चाहूँ
कि जब तक जिकी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियां जब तक सीडीएस में नहीं जा सी नहीं तब तक सीडीएस चालू को नहीं हुआ। और हाल तक भी कोई भी लिस्टेड कंपनी हाल तक बैठे सीडीएस में आपका शेयर ने स्टॉक हाल जो बैठा देना चाहिए बाने वो हाल तक कौन दिया। अच्छा अनुज जी, जी एक चर्चा रवे है कि सीडीएस को सिस्टम लागू जावेगो तो उनके बाद शेयर बाजार में अच्छो सुधार आवेगो, इनको आधार के आओगे सुधार। मेन समस्या आज के दिन है पेपर की समस्या है। अगर ये पेपरलेस हो जाओगे तो काम करने में काफी इजी रहोगे, क्योंकि एक थारे ऑर्डर के आधार पे एक रसीद के आधार पे थारो काम सारो मैनुअल हटके थारो सारो इलेक्ट्रॉनिक काम हो जाओगे, तो काम करने में थोड़ा सो इजी हो जाओगे मेरे विचार में। अच्छा अच्छा मुनरा जी, जी अभी कंपनियां जो है डिविडेंड या बोनस वगैरह डिक्लेयर कर रही है, तो थारे अध्ययन में अभी को जो भी डिक्लेरेशन हो रही है जिको मार्केट ने रिफ्लेक्ट कर रही है कि सही को नहीं कर रही अभी? मोटा मोटी बात जो मार्केट से देख रहा हो इनमें कहीं है कि कुछ कंपनियां अच्छी परफॉर्म कर रही है, डिविडेंड और ये सब की चर्चा कर रहा तो वे कहीं है कि कुछ कंपनियां जान आज समझ लो चिली में है और मैंने समझ लो और भी कंपनियां जो कि अच्छी प्रोग्रेस कर रही है, तो वे कंपनियां कुछ अब लिमिटेड कंपनियां का कारण बाजार चुक हो रही है और डिविडेंड वगैरह। लेकिन आज भी बाजार में अब आप सोचा कि बाजार की बढ़ोतरी के वास्ते जो सोच रही है हाँ और बाजार की पोजीशन सुधर है क्या कर, तो बिरे लिए जिको आज को बाजार को डिविडेंड जिको आ रही है लिस्टेड कंपनियां को वो डिविडेंड मैंने लगानी करता के लिए वित्तीय उत्साहवर्धक कौन दिख रही है भी में कंपनियां की मजबूरी है। कहीं है कि कंपनियां ने पिछला दिन पिछला वर्ष में जो पूंजी वृद्धि करनी पड़ी बाने आपकी कैपिटल पेडअप कैपिटल बढ़ानी पड़ी बिरे चलते भी अनुपात में बांको डिविडेंड को नहीं बढ़ पायो, तो बिरे चलते आज डिविडेंड डिक्लेरेशन हो रही है लेकिन फिर भी बे कंपनियां में कोई किस्म का भाव बढ़ोतरी को नहीं हो रही है। तो बिरे एक ही कारण है कि पूंजी के अनुपात में वो डिविडेंड थोड़ा कम पड़ रही है, लेकिन आगामी दिन में यानी ब्याज घट रही है समझ लो, तो ब्याज घटिया से कहीं उसी की लगानी करता ना तो आराम उसी और ब्याज घटिया से कहीं हो सके लिस्टेड कंपनियां का कारोबार भी बढ़े क्योंकि बाकी लगानी पड़े, तो आगामी दिन में हो सके अच्छा मैंने डिविडेंड देवे तो कंपनियां का भाव बढ़ सके। अच्छा अनुज जी, जी थे तो शेयर ब्रोकर के रूप में शुरू से ही लागेड़ा हो, तो थारी समझ में अभी को जो शेयर मार्केट में प्राइसिंग है जिकी कंपनियां का परफॉर्मेंस ने सही रूप से रिफ्लेक्ट कर रही है के? कुछ एक कंपनी ने छोड़कर बाकी मोटा मोटी मैं समझू की प्राइस ठीक है। अभी जी थे अभी मुंद्रा जी ने क्वेश्चन करे अभी मैं थोड़ा सा और क्या थपना चाहूँ कि पहला आपनी सोच के थी कि कोई शेयर में अगर आपने 100 रुपया 150 200 रुपया मिले तो ही आप कारोबार करें, लेकिन अभी थोड़ा सा क्या है कि चेंज आ रहे हो अभी क्या आ रहे हो है कि सर्टन परसेंटेज 5-7% अगर 15 दिन 20 दिन महीना दिन में अगर आपन आवे तो पूंजी ना आप रोलिंग करता जाओ, बी टाइप से सोच बन रही है। तो प्राइस ने तो मैं ठीक बोलू हूँ लेकिन की है कि जी हिसाब से शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से जो सोचा आपा तो ठीक है बोले जा सके कि हाँ ये प्राइस ठीक है, ये प्राइस में बाइंग करनी चाहिए। अगर कोई 6 महीना थोड़ा लॉन्ग टर्म में भी जाना चाहे तो सर्टेन स्क्रिप्ट यान की है जी मैं आप इन्वेस्टमेंट कर सका। अच्छा एक छोटो सो ब्रेक ले आप, ब्रेक के बाद फिर बातचीत ने आगे बढ़ावांगा। दर्शक वृंद एक छोटो सो ब्रेक ले रहा हाँ, ब्रेक के बाद फिर से बातचीत ने आगे बढ़ावांगा। देखता रहियो हिमालय टेलीविजन, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये हफ्ते को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ता को दर्शक प्रश्न, नेपाल को सबै भन्दा पुरानो अस्पताल कुन हो? ऑप्शन ए शिक्षण अस्पताल, ऑप्शन बी पाटन अस्पताल, ऑप्शन सी वीर अस्पताल र ऑप्शन डी धुलिखेल अस्पताल। दिएका अप्सनहरु मध्ये ए एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस्। विजेता भई पाउनुहोस् इलेक्ट्रोनको आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ट्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाईवाई को गिफ्ट ट्याम्पर, प्रेस्टीज फ्लोर मैट्स, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई, प्रत्येक महीना सैमसंग मोबाइल 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by YY ज्ञान ज्योति सोलर लालटेन योजना। जब शिक्षित हुन्छन् सबै नेपाली तब समृद्ध हुन्छ हाम्रो नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. Authorized distributor for Nepal Kitchen Concepts Private Limited. Kapal ko saundarya sajaunat ko lagi Poonam Mehndi. ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं शेयर ब्रोकर
अनुज अग्रवाल और नंद किशोर जी मुंद्रा के सागे आओ ऊ बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। मुंद्रा जी जहाँ इन्वेस्टर्स को बूम को टाइम देखेड़ो और सभी की सोच रहा है कि अभी को जो मार्केट है जिको क्रैश हो गयो, तो इस स्थिति में जो बूम थो वो गलत थो या अभी को बाजार गलत था ना क्या लागे? दोनों चीज ही गलत को नहीं, क्योंकि शेयर बाजार जिको है इनमें दो शब्द है, एक बियरिश शब्द है और एक बुलिश, तो दोनों ही शेयर बाजार का जिका है पक्ष है और दोनों शब्दों को ये बाजार में खेल हुआ है। वो एक हिसाब से ही ना आप खेल ही कह सको, तो भी मैं कहीं में बुलिश और बियरिश दोनों शब्द को महत्व है। तो 1175 जो इंडेक्स गयो हो वो भी आपके जगह ठीक हो, क्योंकि बाजार ना बातचीत चाहिए बीरा बिना बाजार चाला होने, और आज जो बियरिश आयो है तो वो बुलिश को करेक्शन नहीं बियरिश बोला आप, तो करेक्शन भी बाजार में जरूरी हुआ है और आज का बाजार भी ठीक है। तो बुलिश और बियरिश को दोनों नहीं लगानी करता ना, हर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मैं बुलिश भी रेसी और बियरिश भी रेसी। तो एक जन आज अमेरिकन शेयर बाजार का एक विज्ञ है वॉरेन बुफेट, वहां को कहना है ये बाजार में जना लोग हंसे है बी टाइम थे निकल जाओ, और जहां ये बाजार में लोग तकलीफ में रहे है या रोए है तो बी टाइम बाजार में थे इंटर करो। ये बाजार को मेन थ्योरी इनमें ज्यादा विश्लेषण की जरूरत करनी है, और इनमें बियरिश में घुसो और बुलिश। अब थे कैसे हो कि बियरिश कना आवर कना बुलिश आवे, तो वो तो थाने था कि लिमिटेशन कि मैंने प्रॉफिट कितो लेना है, मैंने 10% में राजी होना है कि मैंने 100% में राजी होना है कि मैंने 500% में राजी होना है, वो थाने सीमा बनानी पड़ती। बी सीमा का अंतर्गत अगर थे रहे हो तो थे ही मैं निश्चित फायदो ले। अनुज जी जहाँ अभी को जो सुस्त बाजार है, सुस्त है शेयर बाजार, ऐ बाजार ने देखते हुए अभी की स्थिति में लगानी करनो चाहिए या आपका ना जो होल्डिंग है पुरानी उन बेच के मार्केट से निकल गए ऊ पीसा ने और कठे लगा लेना चाहिए? बाजार सुस्त को नहीं, बाजार चल रहा है जो पिछले दिनामा जी समझ लो थे चैस से पहला सेना समायोजन से पहला जो बाजार 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ को काम हो, तो आज के दिन एवरेज काम 8-9 करोड़ 10 करोड़ को होने लग रहे है। तो पहला तो सुस्त को नहीं है बाजार, काफी एक्टिविटी चल रही है, और थारे आज के दिन बीच में अगर थे निकलना चाहता तो निकल सका था। आज का दिन मैं कौन ही समझू नहीं, मैं यह चीज जरूरी कौन समझू कि थाने निकलना चाहिए। हाँ, फर्दर इन्वेस्टमेंट थे कर सको, फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए थार के ना जगह है, लेकिन निकल के दूसरी जगह जाने की जरूरत मेरे विचार में को नहीं दिखा है। अच्छा अच्छा मुंद्रा जी, यहाँ बहुत सा इन्वेस्टर्स को यो आरोप रवे है कि ब्रोकर लोगों से अगर आप मेरे को कोई सलाह मांगा तो वे लोग जो है इन्वेस्टर की पोजिशन देख के उन्हें की हामा हाँ मिला हुआ है, सही सलाह कौन देवे, इम आपको के गणो? इस प्रश्न से आप जो कर मैंने इससे मैं आपसे पूर्ण असहमत हूँ, क्योंकि देखो माँ के लिए तो माँ का इन्वेस्टर जिका है बे माँ का अन्नदाता है, बे माने माँ से बे अगर मैं बाने गलत सलाह दें तो माँ का बे ऑफिस में क्या नासी। अब माने मैं लोग तो जहाँ तक बाजार ने देखता हुआ जो माने उचित लागे भाई सलाह देवा, और मैं बांग ने जना भी देवा तो अच्छी सलाह दे, मैं कदी भी गलत सलाह कौन देवा। आप यो कहना चाहो कि भाई इन्वेस्टर थारी सलाह ने सही लेवे नहीं लेवे वो उना पर है। हाँ, बाकी ऊपर है, क्यों कि एक इन्वेस्टर खाली माँ की बात कौन सुने नहीं, क्योंकि बाजार में 50 दलाल है, कोई इन्वेस्टर दूसरे मैंने और आके भी सलाह सुने तो बीच से वो काई कंक्लूजन में पुगे वह भी पर डिपेंड करे, लेकिन ब्रोकर कदम गलत सलाह कौन दे सिया निश्चित समझो आप। अच्छा अनुज जी, जी इन्वेस्टर्स ने जो शेयर बेचा है उनको पेमेंट उनको बहुत देरी से उन्होंने मिला है, जबकि खरीद दे तो तुरंत ही देना पड़ा है, तो यो आखिर में इनकी यो क्यों हो रही है यहाँ? ये मैं एक्चुअली मैं सिस्टम ना दोष देना पड़ेगा। देखो जी हाँ, T+3 को सिस्टम है, आज से खरीदो तो 3 दिन के अंदर माने स्टॉक एक्सचेंज में पिछा बुझाना पड़े, 3 दिन में ही बिक्री करता कागज बड़ा बुझाओगे, 2 दिन स्टॉक एक्सचेंज बिल क्लियरिंग करने में लगा देगा, बिके बाद में 2 दिन लगभग छुट्टी पड़ जाओ। तो जी हाँ, अगर थे आज खरीदो हो पीछा दो हो तो पीछा आने में 7 दिन तो नॉर्मली माना लग जाए, मैनुअल सिस्टम है। देखो मैनुअल सिस्टम में फिर स्टॉक में की प्रॉब्लम है, ब्रोकर का थ्रू गलती कोनी होगा बोल के मैं कोनी बोलू, कई बार की होगी ब्रोकर का कारण भी पीछा अटक जावे, लेकिन क्योंकि वो सिस्टम में जो प्रक्रिया है ना, सिस्टम जो है भी मैं थोड़े से डिफॉल्ट होने से मतलब लेट होना से ही पीछा आने में लेट हो रहा है एक्चुअली। अच्छा अच्छा मुंद्रा जी, अंत में जी हाँ, एज ए ब्रोकर थे के करना चाहोगे? लगानी करता ने और जो इन्वेस्टर है बनो कहो है कि वो बाजार में अच्छा बाजार है और
इन ई बाजार के अंदर थाने या नया लगानी करता हुआ बना आईपीओ से बाजार में आना चाहिए और सेकेंडरी मार्केट में बाजार में आओ तो कम से कम जी लिस्टेड कंपनियां हैं बाकी फंडामेंटल्स का ही है बाको मैनेजमेंट किसी ग्रुप कर रही हो है और बाको परफॉर्मेंस क्या को है बाकी बैलेंस शीट क्या की है ये सब चीज को अध्ययन कर लो और थोड़ा सो ये बाजार के बारे में जिकाने जानकारी है जन थोड़ा बहुत ब्रोकर जानकार हुआ है या थोड़ा जिका ये बाजार के बारे में नजर रखा है एनालिसिस जिका हुआ है वहां से थोड़ी सलाह करके बाजार में आना चाहिए और अबार की बाजार की जी पोजिशन है इमें हमारे हिसाब से अगर इंटर करे लगानी करता तो घाटा की चांसेज है 10-15% और नफा के लिए तो आकाश खुलो है क्योंकि आप भी देखे हो कि नीचे में इंडेक्स 287 तक आयो अबार की बात करूं और ऊपर में 1175 गयो तो इतना बड़ा जो डिफरेंस है बाजार के अंदर और बाजार में यानी को डिफरेंस फिर आ सके कोई बड़ी बात को नहीं ये बात तो घाटा की चांसेस 10-15% है और नफा तो आकाश खुलो है मारे लगानी करता से अनुरोध है कि बाजार में अबार शायद मारे हिसाब से इंटर करने की टाइम है। अच्छा अनुजी थारी की सलाह है? मैं पूर्ण रूप से मुंद्रा जी से सहमत हूँ और सुनो सबकी सबकी सुनो सबसे राय सलाह लो और करो आपकी मेरे विचार में ई बाजार में इसे मैं एंटर करना चाहिए। आप लोग ये कार्यक्रम में आया इनके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है और हिमालय टेलीविजन की तरफ से यह छोटी सी भेंट आपके लिए अनुज जी या आपके लिए। अनुज जी बहुत बहुत धन्यवाद मैंने बुलाया और सम्मान दिया धन्यवाद। दर्शक वृंद अभी आप बातचीत कर रहा था शेयर बाजार से संबंधित रह के और इना की जो भी सलाह सुझाव है सब आप लोग सुनिया और इन सलाह सुझाव पर गौर करते हुए आगे को निर्णय आप लोग ले होगा और यह बात से मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ कि सुनो सबकी लेकिन करो आपकी तो ही आप सफल हो पाऊंगा। इतनो कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए प्रश्न को जवाब और उनका विजेता को नाम बताने जा रहे हैं सागर सागर इस हफ्ते को दर्शक प्रश्न एक बार फिर से गत हप्ता सोधिएको प्रश्न विश्वमा सबैभन्दा बढी भूकम्प जाने देश कुन हो अप्सन ए नेपाल अप्सन बी भारत अप्सन सी जापान र अप्सन डी चीन यसको सही उत्तर हो अप्सन सी जापान। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई इलेक्ट्रोनको आकर्षक उपहार जित्न सफल हुनु भएको छ 98-41-24-50-15 वाईवाई को गिफ्ट हैम्पर पाउन सफल 5 एसएमएस कर्ता हुनुहुन्छ 98-455-43-45-7 98-47-53-53-40 98-460-42-92 98-495-01-428 98-45-31-17-92 प्रेस्टीज फ्लोर मैट्स पाउन सफल हुनु भएको छ 98-033-41-86-2 98-41-53-36-46 98-45-12-86-41 98-41-49-22-32 98-41-28-76-83 ब्रिटानिया को गिफ्ट हैम्पर पाउन सफल 5 एसएमएस कर्ता हुनुहुन्छ 98-49-65-56-23 98-18-90-79-25 98-41-48-25-24 98-14-39-19-76 98-46-13-24-25 बधाई छ विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित एक हप्ता भित्र हिमालय टेलिभिजन को कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नु होला। मोबाइल नम्बर 98-498-23-804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न नेपालको सबैभन्दा पुरानो अस्पताल कुन हो अप्सन ए सेक्सन अस्पताल अप्सन बी पाटन अस्पताल अप्सन सी वीर अस्पताल र अप्सन डी धुलिखेल अस्पताल दिएका अप्सनहरू मध्ये ए एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् विजेता भई पाउनुहोस् इलेक्ट्रोनको आकर्षक उपहार प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाईवाईको गिफ्ट ह्याम्पर प्रेस्टीज फ्लोर मैट्स प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई प्रत्येक महिना सैमसंग मोबाइल एक जनालाई पनि विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। आज के लिए यो कार्यक्रम इतनो ही मनवी इजाजत दियो अगला शनिबार फिर नयो कार्यक्रम नई सामग्रियां के साथ मैं उपस्थित रहूंगा और आपा अब
फेसबुक संजाल में भी हाँ, तो आप लोग फेसबुक में सारी जानकारी ले सको हो, और पुराना अगर कोई एपिसोड देखना चाहो तो यूट्यूब में देख सको हो, और ऐ कार्यक्रम के बारे में कोई भी सलाह सुझाव हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98498-23804 पर, या ईमेल संपर्क कर सको हो अपनो nepal@himalayatv.com पर। नमस्कार। ज्ञान ज्योति सोलर लालटेन योजना, जब शिक्षित हुन्छन् सबै नेपाली तब समृद्ध हुन्छ हाम्रो नेपाल। लाइफ इज सो स्लीक एंड माय किचन, हैव अ लाइफ कर एन्जॉय। ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर फॉर नेपाल किचन कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। कपाल को सौंदर्य सजाउनको लागि पूनम मेहंदी।